मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कैरी किए हैं, इतने शायद मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी पेपर्स भाई सब ये हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे कलेक्ट करने पड़े और ये सारा दिखाना पड़ा मुझे, और ये सारे रिक्वायर्ड है। Two times already. It's fantastic. Oh. It's fantastic. You have to do it. For 20 dirhams? Yes. It's easy. Nice, man. This is the... Just open your camera. This is your camera? Okay, camera? Yeah, camera. Okay, this one? I'm not sure, maybe it's something. You have another phone? No. Maybe you can enjoy the yeah, because... sure. तो जनाब टाइटल और थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। अभी मैं हूँ दिल्ली के टर्मिनल 3 पे और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अबू धाबी UAE। और मेरा रीज़न ये था कि अबू धाबी मैं दुबई भी ले सकता था, दुबई इजली फ्लाइट मिल रही थी और वहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है नहीं। अबू धाबी में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है और डेली बेसिस पे कुछ रूल्स चेंज होते रह रहे, तो मैंने सोचा चलो यार एक एक्सपीरियंस करते हैं कैसा है वहाँ पे। और फ्लाइट भी थोड़ी सस्ती थी अबू धाबी की वहाँ पे, तो अभी तो बोर्डिंग अभी शुरू होने वाली है। भाई साहब एयर इंडिया ने सीरियसली बहुत टाइम वेस्ट किया, इतना स्लो है ना, इसलिए मुझे कभी एयर इंडिया पसंद नहीं आया। लास्ट टाइम मैं जब श्रीनगर गया था वहाँ भी यही सीन हुआ था, यहाँ भी यही सीन हुआ है। मैं आपको बताऊँगा अलग से कि कितना टाइम उन्होंने वेस्ट किया है। और आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया बिकॉज भाग दौड़ मैं 11 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ और अभी 6:30 हो रहा है। इस बीच में पूरा डॉक्यूमेंट्स मैंने, इतना डॉक्यूमेंट्स मैंने कभी भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल में नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले सिर्फ पासपोर्ट, टिकट और एक वीज़ा, अगर वीज़ा रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज़ कुछ नहीं लगता था। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कैरी किए हैं, इतने शायद मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी पेपर्स भाई सब ये हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे कलेक्ट करने पड़े और ये सारा दिखाना पड़ा मुझे, और ये सारे रिक्वायर्ड है। और भाई साहब सीरियसली ये गज़ब का हाल बना रखा है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँगा पूरी डिटेल में, अभी 5 मिनट बोर्डिंग शुरू होने वाली है और मास्क शायद आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा। कोविड के बाद ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है और लास्ट टाइम मैं गया था सिंगापुर, गया था मलेशिया, गया था सितंबर 2019 में, और ये है 1 अक्टूबर आज, ऑलमोस्ट मतलब 2 साल से भी ज़्यादा हो, 2 साल और 1 दिन हो गया मुझे यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोविड का सिचुएशन था तो कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। और अभी दुबई ओपन है और दुबई एक्सपो 1 अक्टूबर आज से शुरू है, तो फर्स्ट शो तो नहीं पाएगा। मैं कल का ट्राई कर रहा हूँ कि कल मैं जाऊँ वहाँ पर दुबई एक्सपो देखने। अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है कि जाना कहाँ पे है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, अभी कुछ है नहीं। मैंने टिकट बुक किया, वीज़ा अप्लाई किया और बस निकल पड़ा। तो अभी वहाँ पे सिर्फ एक टेंशन मुझे ये है कि अब शायद आप मेरी खुशी देख पा रहे हो कि 2 साल के बाद मैं कोई इंटरनेशनल ट्रिप मार रहा हूँ। और कहाँ था मैं, भूल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अभी 2 साल के बाद मैंने कैमरा पकड़ा है, मास्क लगा लूँ। भाई साहब मास्क कंपलसरी है। मेरे सामने, मैं जब कोई सामान ले रहा था तो मेरे सामने 2 बंदे बैठे हुए थे, भाई साहब ने मास्क ऐसे लगा रखे थे और सामने से पुलिस वाले ने वीडियो बनाया। उसके बाद भाई साहब सीधा 2000 रुपये का चलान, 2000 का चलान काट दिया और देना पड़ा उनको। और मैं भी नीचे किया था बट मैं कुछ खा रहा था, रोल खा रहा था, मम्मी ने बना कर दिया हुआ था क्योंकि शाम का टाइम था फ्लाइट का और मैं सुबह निकल गया था, तो कुछ ही था खाने के लिए, तो मम्मी ने 3 रोल बना कर दिए थे, वही खा रहा था मैं, इसलिए मैं बच गया, अदरवाइज मेरे भी 2000 के फाइन पड़ जाता भाई। भाई साहब मूडी शुरू हो गई, आराम चल पड़े हैं अबू धाबी की फ्लाइट पकड़ ले और मास्क लगा लिया सब दोबारा। भाई साहब ये तो भाई साहब पता नहीं कब जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए ये फेस मास्क, फेस शील्ड, सारा कुछ, चलते हैं।
feedback. Kindly switch off all mobile phone and electronic items. Thank you. भाई साहब अभी 10 से 15 में फिर हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे और भाई मैं गाने लगा के सो जाऊँगा, हेडफोन लगाऊँगा और सो जाऊँगा, फिर मिलते हैं सीधा अबू धाबी। के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़ेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको RT-PCR लेना है या नहीं लेना है, रैपिड PCR कंपलसरी है या नहीं है, ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। टाइम टेकिंग क्या क्या टाइम लगना है, उसमें कितने पैसे लगने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूँगा स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ में।